मैम एक्चुअली में ना बहुत बड़ी शायद से प्रॉब्लम हो गई है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि है ना न्यू एडिशन है, तो आपने जो सिखा है ना वो उसमें से थोड़ा थोड़ा अलग भी है। अब की शायद मैं मम्मी को बोलूंगा कि स्कूल में पूछ ले, क्योंकि बोल रहा है कि अब है ना उस डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं, फोर्थ चैप्टर है कुछ राजपूत युग ऐसा कुछ है। राजपूत एज। हाँ मैम वही है मैम डायरेक्ट। कोई बात और नहीं, मैम न्यू एडिशन है और अलग अलग है, थोड़ा अलग है। आपने हर्षवर्धन वाला सीखा है ना, उसमें थोड़ा अलग अच्छा है। मैंने अच्छा हुआ अभी तक टेक्स्ट बुक भी नहीं मिली और न्यू एडिशन आ गया ना तो बच भी गया। अच्छा और डेरी आपके स्कूल में क्या बोला है? मैम मेरे स्कूल में तो मैम बोला है। बोलो धैर्य। मैम मैम ये सोशल साइंस की एग्जाम है 23 जुलाई को। सुहानी, 1 मिनट, 1 मिनट सुहानी, धैर्य कौन बोल रहा है बीच में? सुहानी धैर्य को बोल रही, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? 1 मिनट। हाँ धैर्य बोलो। मैम मेरे स्कूल में तो अभी जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है। मैं जैसे करवा रही हूँ वैसे ही चल रहा है ना? यस मैम। कहानी बोलो क्या हुआ अभी? मैम सुहानी ट्वेंटी हमारा थ्री हो, जुलाई को हाँ हमारा हो एग्जाम गया है। है ना, हो गया है हाँ ना हमारा। मैंने एग्जाम में यही दो चैप्टर ले लिए ना, बस यस तो फिर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। ओके ओके ठीक चलो, अभी धैर्य स्कूल में क्या करवा रहे है हैं तुम्हें? करेंगे। मैम स्कूल में तो अभी सेकंड चैप्टर करवा रहे हैं। और सौम्य तुम्हें? मैम एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, 4-5 दिन से टीचर ही नहीं आ रहे, प्रॉक्सी ले रहे टीचर। आपके स्कूल में तो ऐसे भी ठिकाने ही नहीं है। सुहानी आपके स्कूल में क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 24 चैप्टर नंबर 24। पर और सुहानी मैम वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया, कोई बात नहीं। सुहानी चैप्टर पढ़ो तुम, तब तक आज मैं इनको राजपूत एज वाला आधा चैप्टर समझाती हूँ, फिर आधा आपको समझाऊंगी। ओके टिल दैट सुहानी क्या करो कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके नहीं पूछे हैं, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर जो ज्योग्राफी का आने वाला है, तो हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको लर्न करना है। मैं भी आपका ओरल ले रही हूँ। मैम बट हमें क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले, शॉर्ट भी नहीं आने वाला, लॉन्ग भी नहीं आने वाला है। पर सेमेस्टर में तो आएगा ना सुहानी, हाँ सेमेस्टर में आएगा। तो हम सेमेस्टर के बाद तब लर्न करेंगे जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा। हाँ नो तो लॉन्ग आंसर लर्न करो। कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन बोलो? हाँ डेरी और सौम्य मुझे पीपीटी, अरे मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना आप दोनों के लिए। यस मैम अभी तक यस तो नहीं आई है। मैम स्टेशनरी वाले तो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी प्रिंट प्रिंट होकर ही नहीं आई है गवर्नमेंट में से। हाँ नाटक मैम है ये सब। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलूं। बोलो बेटा। व्हाई इज द मेडिवल पीरियड टर्म्ड एज वन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। आंसर बोलो बेटा, क्या लिखा है आपने? मैम मैंने तो कोई आंसर ही नहीं लिखा। क्यों? मैम वो तो ढूंढना पड़ेगा मुझे टेक्स्ट बुक में से। मैम स्कूल में से नहीं करवाते? स्कूल का तो फिर देखना पड़ेगा, 2 मिनट देखना पड़ेगा मैम। देखो
क्या हुआ सुनानी? ड्यूरिंग डैम ड्यूरिंग हाँ मैम मैं आंसर बोल रही हूँ. During the medieval period, different groups of people came to India and brought with them different cultures. From 1000 CE onwards, there were Turkish invasion in India. With the passage of time, the integration of the different cultures made a significant impact on our work. Okay, चलो तुम ये लर्न करो. मैम हमको ना एक प्रॉब्लम हुई है कि अभी है ना हमको स्कूल में से ऐसी असाइनमेंट आती है जिसमें टेक्स्ट बुक के जो जितना भी होता है वो उसके आंसर जाते हैं उसमें, पर अभी वो आई नहीं है. इसीलिए मैम सर ने ना सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया है, बाकी नहीं लिखवाया. नहीं और शॉर्ट में सिर्फ फर्स्ट थ्री लिखवाए हैं अच्छा टेक्स्ट बुक में से. ये फर्स्ट वाला तो लर्न करो, बाकी हम ढूंढते हैं. ओके मैम. हाँ अपने इतना फास्ट लिख लिया उसने बोला वो क्या होगा फिर क्या हो गया सौम्या? नथिंग मैम. चलो सौम्या वीडियो ऑन करो बेटा. यस मैम. मैम यही है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर दैट इज द राजपूत एज. जो मेडिवल पीरियड था ना उसमें राजपूत रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे. ठीक है, जैसे हर्षवर्धन था वो भी राजपूत के बारे में ही था, पुलकेशी था वो साउथ में था, तो यहाँ पे हम राजपूत एज की बात करेंगे. धैर्य क्या हो गया, वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? ओके चलो सामने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो. यस मैम. परिमल वाज वॉच अ हिस्टोरिकल सीरियल ऑन टीवी इज इन विच ही सॉ अ प्लेस अ थॉट अरोज इन हिज माइंड आर सच प्लेस पैलेसेस स्टिल इन एक्सिस्टेंस हु हैड कंसिडर्ड such place palaces. मैम वन सेकेंड. मैम भाई मैम इधर से एक मिनट जूम करना पड़ेगा. यस मैम. बीइंग क्यूरियस ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर टू गेट आंसर टू दिस एंड अदर सिमिलर questions. His grandfather told him a few things like what is discussed below. Such palaces is where. Ma'am, one second. Constructed by the king in ancient times. Ancient times we come across many such palaces. Some of which are in ruins, while other ruins यानी कि destroy, टूट गए हैं. While other are in good condition, there is a difference between the construction of structures in present times and the kind of work done is earlier ages. From these differences we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monument constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about the era, let does know about the main Indian dynasties of that time. Okay,
तो यहाँ पे हमें बात करना है एंशियंट टाइम की, पुराने वक्त की बात हो रहा है, जब बहुत सारे पैलेसेस है। आपने उदयपुर, आप उदयपुर गए हो? नो मैम, मैं छोटा था तब गया था इसलिए मेरे को याद नहीं है। कोई पैलेस तो देखा होगा ना, कहीं तो घूमे होगे ना? यस मैम, बहुत सारी जगह पे देखा है ना। तो पैलेसेस होते हैं, कुछ पैलेसेस रियून हो गए यानी कि डिस्ट्रॉय हो गए, पर कुछ बहुत, जैसे उदयपुर में बहुत सारे पैलेसेस हैं, जोधपुर में है, जयपुर में है, बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे हमें पैलेसेस देखने को मिलते हैं, किसी की अच्छी कंडीशन होती है। अब ये जो पैलेस का कंस्ट्रक्शन होता है, उस वक्त एशियन जमाने में अलग होता था, और अब जो पैलेस होता है, महल जिसको हम बोलते हैं, बंगलो हम जिसको बोलते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत अलग होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन का, वो हम पढ़ेंगे कि पुराने वक्त का कैसा होता था। मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं, राजपूत एज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें होती थी, मॉन्यूमेंट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी। ठीक है, कि ये जो नई डायनेस्टी है, ये नई डायनेस्टी यानी कौन से डायनेस्टी की बात चल रही है? राजपूत डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी की बात चल रही है यहाँ पे? राजपूत डायनेस्टी की बात चल रही है। ठीक है, पहले हम पढ़ो। यस मैम, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर, पहले के जमाने में ब्रिक्स होते थे? पहले के जमाने में यहाँ क्यों नहीं होते थे? ब्रिक्स होते थे, पत्थर से बनाते थे वो लोग। मैम मैं अब पढ़ू? हाँ पढ़ो। After the death of Empire Harshvardhan in the middle of 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded a new dynasty. Okay. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो ये हर्षवर्धन की जब मिडिल ऑफ 7th सेंचुरी में उसकी डेथ हो गई, हमने पढ़ा था ना कि उसकी डेथ हो गई, पुलकेशी की भी डेथ हो गई, हमने सारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसकी डेथ के बाद एक नए चीफ आए जो थे फ्यूडल चेफिशंस। वो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उन्हें कुछ पर्टिकुलर जगह दी गई थी संभालने के। राजा जैसे ही मरा तो वो पर्टिकुलर एरिया के वो खुद इंडिपेंडेंट राजा बन गए। ओके, वो खुद इंडिपेंडेंट राजा बन गए। ओके, समझ में आए इतना? यस मैम। यहाँ पे एक चीज नहीं है, आपको एक पूरा पेज नहीं है। देखो मैम, 18 नंबर का पेज नहीं है ना? नहीं है, 18 नंबर का पेज नहीं है यहाँ। रुको, मुझे दूसरा, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट पेज है। ओके, मुझे दूसरा सर्च करना पड़ेगा। ये तो मैं रखती हूँ। मैम मेरा हो गया। हाँ बेटा, एक मिनट।
बेटा ऑनलाइन में तो एक पेज है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। मैं देखता हूँ मैम। हाँ मैं वही बोल रहा था कि धैर्य को तो मिल गई थी ना पीडीएफ। मैंने दूसरी भी की तो वो भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। वो पेज का मुझे पिक्चर क्लिक करके आपको देना पड़ेगा। धैर्य चेक करो आपका। हाँ सुमानी चलो आंसर सुनाओ देखे बिना। मैम देख लो मेरी बुक बंद है। लर्न लर्न हाँ हाँ बेटा रुको रुको ओके। मैम मुझे मिल गया, मेरे पास है पेज है वो 18 वाला। हाँ तो मैं आपको शेयर करूँ तो स्क्रीन शेयर कर पाओगे वो? यस मैम। हाँ रुको सुहानी बोल देना फिर करते हैं। हाँ सुहानी बोल। During the medieval period, the different group of people came to India and brought different cultures with them. From 1000 CE onwards, there were Turkish invasion in India. With the passage of time, the integration of different cultures made a significant इम्पैक्ट ऑन अवर कंट्री। ओके बेटा अब दूसरा क्वेश्चन क्या है सुहानी? हाँ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द डिफरेंट नेम बाय विच इंडिया हैज बीन नोन। पता है पैराग्राफ में है भरतवर्ष, वो मैंने आपको नाम अंडरलाइन करवाए थे सारे। हाँ ट्राई करो आप आंसर ढूंढो, हाँ। मेरे साथ डिस्कस करो फिर लर्न करना, पहले आंसर ढूंढो। धैर्य यस मैम चलो अब आप शेयर कर सकते हो। मैम दीखा तुमने कहाँ से उसको डाउनलोड किया है धैर्य? मैम मैं गूगल में मैं जिस लिंक से मैं टेक्स्ट बुक करता हूँ ना उसमें मैंने देखा तो ये मिल गया मुझे। ओके चलो अब यहाँ पे ना सौम्य तुम्हें स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी। हु इज फ्यूडल लॉर्ड या लैंडलॉर्ड, ये वाला आंसर है ठीक है, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। अब ये फ्यूडल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड कौन है? धैर्य पढ़ो उसको। यस मैम। मैम ये बॉक्स ना थिंग सुनो ना। हाँ द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविंसेस थ्री पार्ट्स। द पर्सन हु कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस वॉज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड। सामान्यता द लैंडलॉर्ड गेव सम portions of land revenue to the king. He kept the rest with him, out of which maintained an army. He set his army whenever the king needed help in time. This landlord became powerful and feudalism came into existence. ओके अब ये फ्यूडल लॉर्ड जब हर्षवर्धना किंग हर्षवर्धना की डेथ हो गई ना तो जो एरिया में पर्टिकुलर एक एरिया था जिसमें उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया था वो था फ्यूडल लॉर्ड। तो हर्षवर्धन जब तक जिंदा था तब तक ये फ्यूडल लॉर्ड का क्या काम था? पूरा एम्पायर अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड होता है। प्रोविंस यानी कि स्टेट, यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फ्यूडल लॉर्ड का काम होता है कि उसको जो भी पार्ट का अपॉइंट किया गया होता है उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स, यानी कि उस एरिया में जहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है कल्टीवेशन होता है वो लैंड का प्रोडक्शन पे उनको टैक्स कलेक्ट करना होता है। लैंडलॉर्ड ये जो टैक्स कलेक्ट करता है ना लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं उसका आधा पोर्शन राजा को देता है, आधा पोर्शन वो अपने पास रखता है ठीक है उसकी सैलरी के हिसाब से। अब उस पैसे से
उसकी पास उसकी खुद की एक आर्मी होती है जो वो मेंटेन करता है, यानी आर्मी को ट्रेन करता है, आर्मी के पीछे खर्चा करता है। अब राजा को जब भी आर्मी की जरूरत होती है तो वो इस फ्यूडल लॉ के पास आता है और उसके पास से उसकी आर्मी वो लेता है। ठीक है, जब हर्षवर्धना की डेथ हो गई तो ये जो फ्यूडल लॉ थे वो जो प्रोविंस में संभालते थे उसके वो राजा बन गए। वो पूरा फ्यूडल लॉर्ड, जिस प्रोविंस का वो फ्यूडल लॉर्ड था वो पूरा उसने उसके अंदर ले लिया। अब उसको कोई भी राजा को पैसा नहीं देना, वो खुद राजा बन गया। इसे वो धीरे धीरे पावरफुल हो गए। क्लियर, समझ में आया कि आपको चाहिए मैं वापस इसको समझाऊं? मैम समझ में आ गया। सौम्या? यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, तो ये थिंग्स टू नो आज आपको लिखना है क्लास वर्क बुक में, ये काफी इम्पोर्टेंट है। आपको देखो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर पे हु वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स, तो इसका आंसर अ पर्सन हु कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजंस वाज कॉल्ड लैंडलॉर्ड और फ्यूडल लॉर्ड। एक ही लाइन आपको लिखनी है। ओके, चलो अब काफी सारी डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आई नॉर्थ इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में गुर्जर, प्रतिहाला, पाल, चालुक्या, ओके ऐसी सब आई, परमार, चौहान। साउथ में थी, जैसे हर्षवर्धना नॉर्थ में था तो साउथ में पुलकेशी था, पुलकेशी के बाद पल्लवा, राष्ट्रकूटा, कल्याणी चालुक्या, चीर, पंड्या, चोला, ऐसे अलग अलग है। तो किंगडम ना अर्ली मेडिवल दो पार्ट में डिवाइड था, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के बारे में हमें देखना है कि कौन कौन से राजा थे, कौन से राजा के पास क्या था। ठीक है सुहानी, मिला आंसर? यस मैम, मैं बस वही टिक करके मैं कर रही हूँ। अच्छा ओके, टिक कर दो। अच्छा सौम्या? यस मैम। चलो पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है मेनी डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस वहां से। यस मैम, मेनी डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, द मेन डायनेस्टी रूलिंग नॉर्थ इंडिया वेयर द गुर्जर प्रतिहारा पाल चालुक्य परमार एंड चौहान डायनेस्टी अमंग दोस इन साउथ इंडिया वेयर द पल्लव राष्ट्रकूट कल्याणी चालुक्य चेर पंड्या एंड चोला द किंगडम ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट North India and to South India. Okay. First North India. हुआ सुहानी? Yes ma'am, हो गया but. बोलो क्या हुआ? मैम पढ़िए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा सुनाओ? The early Sanskrit text during the Vedic period called the text of the land between Vindhyas and the Himalayas called Aryavrata or the land of the Aryans. And the subcontinent was called Bharatvarsham and this term was used to distinguish it. But wo sab kyun likh rahe ho? This term was new. Wo sab nahi likhna hai. To? Achha, ek kaam karo. धैर्य, दो मिनट के लिए स्टॉप करो तुम्हारा शेयरिंग। सुहानी शेयर करो। दो मिनट। यस सुहानी, क्वेश्चन रिपीट करो वापस। क्वेश्चन क्या है?
हाँ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द डिफरेंट नेम बाय विच इंडिया हैज बीन नोन. यस ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ड्यूरिंग वेडिंग पीरियड द ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन विंध्य एंड हिमालय नोन वाज आर्यव्रता. ठीक है, यहां तक बराबर किया आपने, आर्यव्रता द लैंड ऑफ आर्यंस. फिर ड्यूरिंग द एरा ऑफ पुराना सबको भरतवर्षम, बस भरतवर्षम तक ही लिखना है, उसकी बाद वाली लाइन नहीं लिखनी. फिर आएगा पर्शियन अकाउंट ऑफ पीरियड रिफर टू इट हिंद और हिंदुस्तान. बस यहां तक ही लिखना है. कहां तक मैम? हिंदुस्तान तक. हिंदुस्तान तक ओके. फिर नीचे करो फिर संस्कृत लिटरेचर कंट्रीज कॉल्ड भरत. इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यूजेस बोथ इंडिया एंड भरत टू डिस्क्राइब कंट्री. ये बराबर मार्क किया है. ओके तो मैम मैं इतना लर्न करूँ ना? हाँ इतना लर्न करना है. ठीक है ना, हो गया ना आप सही? स्टॉप कर दो. हाँ हाँ नहीं नहीं मैम दो मिनट, ये आर्यव्रता के बाद कहाँ से करना है? आर्यव्रता आर्यंस तक करना है, यहाँ ये यहाँ भरतवर्ष हाँ. तक करना है. अर्ली तुमने द अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ड्यूरिंग वेदिक पीरियड कॉल्ड द ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड हिमालयस आर्यव्रता और द लैंड ऑफ आर्यंस. ड्यूरिंग द एरा ऑफ पुराना द सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड भरतवर्ष. बस ओके ओके okay? फिर नीचे का मिला ना, क्या करना है? हाँ नीचे का तो सब कुछ हो गया. ओके okay. बस ये इतना आंसर लिखना है. यस धैर्य शेयर करो. यस मैम. मैम आया. अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में. ठीक है, अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद ना बहुत सारे किंग्स आए कनौज किंगडम पे रूल करने के लिए, जिस जैसे कि यशोवर्मा वो पावरफुल रूलर गिना जाता था. उसके बाद आया प्रतिहारा डायनेस्टी. अब यहाँ पे डायनेस्टी के नाम दिए गए हैं और कौन सा राजा यहाँ पे रूल कर रहा था वो दिया गया है. प्रतिहारा डायनेस्टी का राजा है यशोवर्मा. फिर मिहिर कोच ने अरब इन्वेंशन यानी अरब से जो लोग इन्वेंशन का मतलब जो घुस के आ रहे थे, इन्वेशन का मतलब जो घुस के आ रहे थे. ठीक है, हमें बताए बगैर हमारी टेरिटरी पे घुसना. तो मिहिर कोच जिसको घोष भी बोला जाता था वो भी प्रतिहारा डायनेस्टी का ही था. उसने अरब को रोका था कि वो यहाँ पे डायनेस्टी में आए नहीं. फिर राष्ट्रकूटा के साथ, अब राष्ट्रकूटा जो है ना वो साउथ का राजा है, तो नॉर्थ के राजा मिहिर भोज का साउथ के राजा राष्ट्रकूटा राजा के साथ भी काफी बैटल्स हुए थे. ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा. एरिया तुम फर्स्ट पैराग्राफ वापस पढ़ो. मैम तो हर्षवर्धन के बाद उसका बेटा नहीं आएगा? हाँ पर यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे सारे पावरफुल रूलर्स के बारे में बात करें, जो राजा काफी स्ट्रॉन्ग था उसके बारे में हम बात करें. हर्षवर्धन के बाद उसका बेटा ही आया था पर उसका इतना स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं था. तो यहाँ जितने नाम दिए गए हैं ना वो जिस डायनेस्टी ने अच्छा काम किया हो, जो डायनेस्टी काफी स्ट्रॉन्ग है उसका ही मेंशन किया. समझ में आया? ओके मैम. चलो अभी पढ़ सकते हो. थ्रोन ऑफ कनौज अमंग देन यशोवर्मा इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर आफ्टर हिम द
Pratihara dynasty established its rules. Kanauj, they protected Indian from Arab invasion. Mihir Bhoj was also known as Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. He fought many battles with the Rashtrakutas during Rashtrakuta during his region. We will learn about the Rashtrakutas later. यानि कि south south वाला जब part हम लोग पढ़ेंगे ना तब हम Rashtrakuta के बारे में पढ़ेंगे. Okay? अब इस paragraph में कोई doubt है? No, ma'am. Okay. अब ये Pratihara dynasty के बारे में. कौन सी बाजू के? क्या बेटा? मैम इसमें लिखा है ना अरब. अरब मीन्स कौन सी बाजू के? वो कौन सी कहाँ पे? कौन बताएगा अरब कहाँ पर है? दुबई. दुबई कहाँ पे आया? तो साउथ. तो मैम हाँ तो मैम वो पहले से उधर दुबई था, वहां से आए थे अरब ट्रेडर्स. हाँ अरब ना यहाँ हमारे साथ उसके और फिर जब हमारे साथ ट्रेडिंग भी करते थे अरब काफी समय से. ओके चलो अब हम दूसरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. वो है परमार डायनेस्टी. ये हमने पढ़ा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में. परमार डायनेस्टी कहाँ पे रूल करता था? जैसे प्रतिहारा कन्नौज में रूल करता था तो परमार डायनेस्टी मालवा में रूल करता था. और उसकी मालवा की दो मेन जगह थी, सिटी थी, उज्जैन और धार नगरी. ओके धार नगरी को धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आज बोला जाता है. किंग मुंज और किंग भोज परमार डायनेस्टी के वो सबसे अच्छे रूलर्स थे और वो अच्छे पोएट भी थे. उनकी कोर्ट में उन्होंने काफी स्कॉलर्स को पैट्रोनेज देना यानी कि उन्हें मदद करना, प्रोत्साहन देना. ठीक है उसको पैट्रोनेज बोलते हैं. राजा भोज और किंग भोज धार नगरी को विद्या नगरी यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा लिटरेचर पढ़ाया जाता था और उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश की थी जहाँ पे संस्कृत लिटरेचर पढ़ाया जाता था. क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत लिटरेचर. अब उस समय में ये परमार डायनेस्टी के समय में जो मॉन्यूमेंट्स होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे, आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स. ओके परमार ने साउथ में चालुक्य के साथ, चालुक्य डायनेस्टी जो थी ना साउथ की, उसके साथ काफी बैटल्स किए. राजा भोज के बाद ये मालवा किंगडम थोड़ा सा वीक. ओके चलो सौम्या तुम्हें ये परमार डायनेस्टी वाला पढ़ना है. यस मैम. वो मैम मालवा मतलब वो देवगुप्त वाला. हाँ वो ही. द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा उज्जैन धारा नगरी वेर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा धारा नगरी इज नोन एज धारा डिस्ट्रिक्ट of Madhya Pradesh at present King Munj and King Bhoj of Parmar dynasty were not only good rulers but also good poets. They gave patronage to the scholar patronage to the scholars in their courts. Raja Bhoj or King Bhoj made Dhara Nagari the center of studies, Vidya Nagari, and established a university, Vidyapeeth, for the studies of Sanskrit literature. Many architectural
monuments were built during this time. The Parmar fought many battles with the Chalukyas of the south. After the death of Raja Bhoj, the kingdom of Malwa weakened. Okay, तो ये weak हो गया, ठीक है? अब ये दो clear है आप लोग को? वो बहुत yes ma'am. मैम राजा बोध था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. स्ट्रॉन्ग था. और मैम उज्जैन मतलब वहां जहाँ पे वो शिवलिंग है वो वाला उज्जैन मंदिर. मैम उसको बोल 19th पेज करे. देखो अब मैं आपको समझाती हूँ वापस. नहीं रुको. प्रतिहारा डायनेस्टी. प्रतिहारा का कैपिटल कनौज था, ठीक है? और प्रतिहारा डायनेस्टी के कौन से दो राजा थे? मिहिर भोज और भोज. फिर हमने परमार डायनेस्टी बोला. परमार डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रहा था? मालवा. उसके दो ग्रेट किंग थे मुंज और भोज, ठीक है? ये दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा. चलो सौम्य हमने कौन से दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा? मैम प्रतिहारा और परमार. हाँ राइट, प्रतिहारा और परमार. तो प्रतिहारा के बारे में क्या पढ़ा? कौन है राजा प्रतिहारा डायनेस्टी के? मैम यशोवर्मा. हाँ और मैम भोज. भोज राइट. वैसे ही दूसरी परमा डायनेस्टी. परमा डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? मैम मालवा. उज्जैन. मालवा बेटा. उज्जैन और धारा नगरी तो उसके दो सिटीज थे, फेमस सिटीज. मैम मैम कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ये परमार डायनेस्टी और ये प्रतिहारा डायनेस्टी दोनों में भोज है तो अलग अलग है या सेम ही? दोनों अलग अलग है. अलग अलग है. वहां पे मिहिर भोज दिया गया है और यहाँ पे मैम तो कुछ नाम ही. मैम अब 19 पेज नंबर शेयर करो कि नहीं? नहीं रुको. हाँ सुहानी तुम स्टॉप कर दो अभी. 19 पेज तो मेरे पास है. यस मैम. बोलो सुहानी. The only Sanskrit text during the Vedic period called tracts of the land between Vindhyas and Himalayas called Aryavrata or the land of the Aryans. During the Puranas, the subcontinent was known as Bharatvarsham. In the Persian account, it refers to as the Hind or the Hindustan. And the Sanskrit text, the country known as Bharat, and in the Indian constitution, it known as India or Bharat to describe the Chalo, abhi third wala kya hai question? What are the accounts of foreign traveler useful to historians? Kahan pe dhoondo? मैम मुझे तो है ना अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर है ना वही लग रहा है पूरा. एक मिनट क्या हुआ सुहानी?
मैं क्या सोच रही हूँ कि थोड़ा ऐसे लिखते हैं ना कि मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर विजिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड और दीज ट्रैवलर्स समटाइम्स आल्सो विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ द किंग और उसके बाद हम डायरेक्टली यही लिख देते हैं कि किसने किसने क्या क्या लिखा मीन आई एल बुरुनी हु विजिटेड इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गजनी इन 11th सेंचुरी सी ई रोट एक्सटेंसिवली अबाउट इंडिया इतना सारा नहीं लिखना है इस बुक इतना सारा नहीं लिख शेयर करो ओके सुहानी शेयर करो मैम हाँ मैम 2 मिनट हाँ ओके ओके मैम आपने ना सेकंड चैप्टर का आपने जो दिए थे ना फिलिंग द ब्लैंक्स उसके बाद आपने ट्रू फॉल्स या कुछ भी नहीं करवाया नहीं करवाया नहीं मैम आपने बोला था कि बाद में करवाएंगे और आपने उसके आंसर्स भी नहीं करवाए हैं और बाद में आप शायद से ट्रू फॉल्स और देने वाले थे मैथ द फॉलोइंग जैसे फर्स्ट चैप्टर का दिया था वो okay. बाकी है मैम ठीक है देखो अकाउंट्स और ट्रेवलर्स वाला हाँ ये तो तुमने जो बोला ऐसे लिखोगे यहाँ नाम दिए होगे सबके नाम लिखने आपको नीचे करो नीचे नीचे अरे मींस दूसरा पेज थोड़ा भी मींस थोड़ा तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि थोड़ा वो तुमने बोला वो सही है ना सी फिर इतना थोड़ा लिखेंगे और उसके बाद ये जो एल आई बुक वो कैसे लिखना है देखो अल्बरनो उसकी बुक का नाम क्या है तागे हिंद मोहम्मद गजनी के पीरियड में ऐसा नहीं लिखना नाम बुक इब्न बतूता ऑफ मोराको फिर निकोलो कोंटी ऑफ इटली अब्दुल रजाक ऑफ पर्शिया और ऐसे ठीक है जिसके बुक के नाम दिए होंगे बुक के नाम लिखने क्वेश्चन रिपीट करो वापस हाँ हु आर हाउ आर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर यूजफुल फॉर हिस्टोरियंस अच्छा ओके नाम नहीं लिख रहे मुझे ऐसे तक नाम लिखने हैं ओके ऊपर लेके जाओ तो आप आगे वाला लिखोगे ना फिर ये वाला लिख रहे दिस अकाउंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल लाइफ ऑफ पीपल हिस्टोरियंस ऑफन कंपेयर देम विद द अकाउंट रिटन ये वाली लाइंस कंपलसरी लिखनी है ठीक है ये उनको इन्फॉर्मेशन दे हाँ, दिया ये पूरा पैराग्राफ हाँ ये पूरा पैराग्राफ और आगे में मैं बताती हूँ और मैम इसमें हाँ बताती हूँ ये वाला लिखना है मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड दिस ट्रैवलर समटाइम आल्सो विजिटेड कोर्ट्स ऑफ द किंग हिस्टोरियंस रैली ऑन द राइटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रैवल फॉर फेयर एंड अनबायस्ड अकाउंट्स ऑफ द किंग रिपीट करूं मैं वापस ये वाली लाइन सिर्फ निकाल देनी है दे हैव लेफ्ट बिहाइंड डिटेल अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है सुहानी रिपीट करूं वापस मेनी फॉरेन ट्रैवल हिस्टोरियंस ये जो है हिस्टोरियंस इसके बाद यहाँ पे है रीजन पे है हिस्टोरियंस हाँ यहाँ आपसे लिखना है दूसरा हिस्टोरियंस रैली ऑन राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स फॉर फेयर एंड अनबायस्ड अकाउंट्स ऑफ द किंग्स फिर दूसरे पेज में होगा किंग्स रेन है रेन रेन रीजन नहीं बोलती रेन और फिर बाकी तो मैंने आपको बोला कि ये इन्फॉर्मेशन उनको क्या देती है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ठीक है
ठीक है, ये ऐसे लिखना है, मतलब तो मैम पूरा पैराग्राफ ही हुआ, पूरा हो गया, सिर्फ ये नाम नहीं लिखने हैं। ओके, ये 3 मार्क का 2 मार्क का आंसर होगा तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, ओके और आंसर आप लिखवाने वाले। अच्छा सौम्य और धैर्य आप कौन से ब्रांच में हो? मैं घाटलोडिया। मैं नारायणपुरा। ओके ठीक है, अब ऐसा होगा ना तो एक पीडीएफ ही मैं भेज दूंगी दोनों को बना के, तो वो अपने पास आप डाउनलोड करके रखना, ठीक है ना बेटा, वो ज्यादा इजी रहेगा। यस मैम, आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट भी दी थी आपने, वैसे वर्कशीट के साथ ही अटैच कर दूंगी मैं। ओके चलो, अब हम ये वाला पढ़ेंगे। हमने 2 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, प्रतिहारा के बारे में पढ़ा और परमार डायनेस्टी। ये डू यू नो है, ये आपको रीड करना है, लिखना नहीं है। इट इज सेड, हाँ पढ़ो। It is said that Raja Bhoj 1016-1053 CE suffered from brain tumor in his earlier age. In the earlier 10th century, he was operated on by 2 brothers from Ujjaini. Brothers from Ujjaini, who sent him into controlled coma using a medicine called Sammohini. They then opened his skull and removed his tumor. Raja Bhoj survived his surgery and lived a healthy life. ठीक है, तो ये राजा भोज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि एक बार जब वो ब्रेन ट्यूमर से सफर कर रहे थे तो उनका ऑपरेशन किया था, उज्जैन के 2 भाई थे उन्होंने उनका ऑपरेशन करवाया था, और वो he sent him into a controlled coma. यानी कि जब ऑपरेशन करने के बाद, पता है हाँ, हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, अभी डॉक्टर हमें एनेस्थीसिया देते हैं। नो मैम, पता नहीं, आप ऑपरेशन करते हो ना तो कुछ समय के लिए आपके माइंड को अनकॉन्शियस कर देते हैं, आपके बॉडी को और माइंड को अनकॉन्शियस कर देते हैं, तो आपको वो पेन फील ना हो। मैम बर्डन होना है। और मैम एक जात की है ना मिर्ची आती है, वो हम खा नहीं सकते, खा लिए तो हम मर जाएंगे, और वो है ना हमको जब सर्जरी के कुछ ऐसा हो ना उस पार्ट में, तो वहां है ना उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो पार्ट है ना एकदम ब्लैंक हो जाता है, तो वहां हमको कुछ दर्द कुछ नहीं होता। हाँ, बस तो यहाँ पे उस वक्त उसको ये मेडिसिन दी थी सम्मोहिनी, ठीक है, जिससे वो कंट्रोल्ड कोमा में, यानी कि जब उसका असर चला जाएगा तो वो वापस आ जाएगा ध्यान में। ओके, और उस पे सर्जरी। ये सुहानी बेटा बोलो। मैम ये जो हिस्टोरियंस रेयरली ऑन द राइटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स और फॉर अ फेयर एंड अनबेस्ड कोट ऑन ऑफ अ किंग रिंग, इसका मतलब क्या है? अब ये हिस्टोरियंस जो थे ना, वो जो ट्रेवलर्स आते थे उनकी जो बुक लिखते थे उसको अकाउंट्स बोलते थे, तो हिस्टोरियंस इस अकाउंट्स पे ज्यादा रैली करते थे, यानी बिलीव करते थे, ट्रस्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी उनको पार्शियलिटी वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, अनबायस्ड, अनबायस्ड यानी कि जहां भी किसी के साथ भेदभाव ना हुआ। ओके बेटा सुहानी, हाँ पर इसमें तो लिखा है कि फॉरेन ट्रैवलर्स फॉर अ फेयर एंड अनबेस्ड अकाउंट ऑफ अ किंग रिंग। एक मिनट तुम शेयर करो वापस तुम्हारा रुको।
देखो हिस्टोरियंस रैली ऑन द राइटिंग्स, रैली यानी वो उनपे डिपेंड थे, वो उनपे विश्वास करते थे, ठीक है। रैली ऑन द राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, क्योंकि वो राइटिंग्स कैसे थे, फेयर थे और अनबायस्ड अकाउंट थे, किंग के किंगडम के बारे में जो भी था वो सच लिखा था, फेयर था। हम बोलते हैं ना कि इट इज नॉट फेयर, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो ये चीज फेयर थी, सच थी और अनबायस्ड थी। अनबायस्ड यानी जहां पे भी कुछ भी भेदभाव ना हो, ओके। अकाउंट्स यानी कि जो लिखा होता है, रिटर्न था, ट्रैवलर जो भी लिखते हैं उसको अकाउंट बोलते हैं। आप सुहानी क्लियर? यस ओके, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। ओके, फिर राजपूत ये सर्जरी से सरवाइव हो गया, फिर हेल्दी लाइफ था। अब हमने दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे है पाला डायनेस्टी, सेम डायनेस्टी। ये जो पाला डायनेस्टी है ना वो बिहार में रूल करती थी, और ये जो सेम डायनेस्टी है वो बंगाल में रूल करती थी, ओके। आज मैं ना आप लोग को ये पाला डायनेस्टी तक ही करवाऊंगी दोनों को। सौम्य और धैर्य, गुड मॉर्निंग, आई कांट सी योर फेसेस। Yes, ma'am. Ma'am, good afternoon. Darya, video on karo. Yes, ma'am. चलो तो पाला और सेन डायनेस्टी, पाला कहाँ पे रूल करता था Darya? पाला डायनेस्टी, पाला कहाँ पे रूल करता था धैर्य? पाला जो है वो बिहार में रूल करता था और सेन डायनेस्टी बंगाल में। सौम्या, बिहार एंड बंगाल। पाला कहाँ पे रूल करता था? मैम सेन डायनेस्टी बिहार एंड बंगाल। नहीं, सेन डायनेस्टी बंगाल में करती थी और पाला डायनेस्टी बिहार में करती थी। यस मैम, समझ में आया। अभी जो रूलर था ना पाला, उसके आगे पाला लगाया था, उसका मतलब है दे हैड एडेड पाला टू देयर नेम्स, उनके नाम के पीछे की ये सरनेम थे उनके, ठीक है, ओके। इसकी इंफॉर्मेशन मैं ज्यादा आपको दूंगी, ऐसे नाम दूंगी, कुमार पाल ऐसे राजा थे, कुमार पाल, तो पीछे उनके पीछे क्या लगा देते बोलो, पाला, क्योंकि वो पाला डायनेस्टी के राजा थे, ओके। यस, समझ में आए यहाँ पे? रुको, अगर अब मुझे ऐसे नाम मिलते हैं ना तो मैं आपको बता दूं। देखो सेवन सीबीएसई, सबको वीडियो ऑफ रखना है दो मिनट के लिए बच्चा। देखो धैर्य और सौम्य, ये जो पाला एम्पायर है ना, वो पाला, मदन पाला दिख रहा है? यस मैम, यस मैम, मैम बाद में। पाला एम्पायर है, पूरी ब्लैंक हो गया, बंगाल में ब्लैक हो गया। नो मैम, उनके पीछे वो पाला लगाते ब्लर दिख रहा है, पहले वाइट हो गया था। हाँ ठीक है, यहाँ पे द पाला एम्पायर वाज वो वाला। मैम ये जो साइड में दिया है वो इंडिया का मैप है। हाँ रुको, सी पाला डायनेस्टी का सबसे पहला फाउंडर था गोपाला, कौन था? गोपाला। उसके बाद राजा था धर्मपाला, ठीक है, उसके बाद था देवपाला। तो देखो सबके पीछे क्या है, पाला लगाया है ना, तो मैम पाला के बाद कौन सी डायनेस्टी थी? सेन डायनेस्टी।
कन्नौज में ही से आए थे। कन्नौज में ही। तो मैम उन लोग के सरनेम सेन थी, साथ में सेन छोड़ता। अच्छा सुहानी, इतने आंसर्स ढूंढे तुमने, तीन? नहीं मैम, अभी थर्ड आपको सुनाना बाकी है ना। अच्छा, पर तीन हो गए ना आपको, ये हाँ। तीनों की तीनों मेरी ट्यूशन की बुक में लिखना है एज अ होमवर्क। हाँ, क्लास वर्क बुक में, वो पिन पेज वाला नहीं होमवर्क। हाँ ओके। और डेरी और सौम्य को क्या काम दू? आप लोगों को वो फ्यूडल लॉ वाला लिखना है जो स्क्रीनशॉट लिया है, एक ही वर्क। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मींस मैम, सिर्फ ये क्लास वर्क में लिखने हैं आंसर, है ना? हाँ बेटा। और कितने बाकी है सवालियों के करने के? सौम्य और डेरिया, आप लोग को होमवर्क समझ में आ गया बेटा? दो बाकी मैम। आप दोनों लीव हो जाओ और आपको मैं दूसरे मैम, मुझे समझ नहीं आया क्या करने का है। फ्यूडल लॉ वाला आंसर करना है। यस मैम। तो फ्यूडल लॉ वाला पैराग्राफ था ना वो? यस मैम। ओके बाय मैम। आप दोनों जा सकते हैं। सुहानी वेट। हाँ सुहानी, टोटल कितने क्वेश्चन आंसर्स है? दो ही सिर्फ बाकी है मैम। दो है ना? ओके, ये तीन ही लिखना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, चलो सुहानी, व्हेन यू कैन लीव। बाय बाय मैम। मैम मैम मैम, अंश बुला रहा है। क्या हो गया मैम? आपने बोला था कि मैं, मुझे संडे नहीं, अब जब मेरी एसएस की एग्जाम हो तो अब तब दू, तो फिर मैं कौन से नंबर पे पेपर सेंड करूं? एक मिनट, क्या हो गया मैम? आपने बोला था कि अगर मुझे संडे के अलावा दूसरे दिन एग्जाम देनी है, जब एसएस के एग्जाम नहीं बेटा, उसको वर्कशीट की तरह कर देना जब भी आपको करना हो। ओके मैम। ओके चलो, अभी कौन सा आप लोग को लेक्चर? मैथ्स का है, मैथ्स का। ओके, आपके पेपर्स मैंने चेक करना शुरू कर दिया है, कल मैं आप सबको आपके मार्क्स दे दूंगी। मैम ये लेक्चर आप ले लो ना। नहीं बाय ध्वनी। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। Chapter 3, okay, now हमने अभी तक देखा mean, arithmetic mean, क्या करते थे mean में? हम सब numbers को add करते थे, upon total numbers करते थे, अब आएगा mode and median, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जो भी ऑब्जर्वेशन आता है वो, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 2, 3, 2, 2, 2, 5, 7, 0, 0, 1, 7, 5, 2, 3, 7, 8, यस, इतने सारे नंबर्स मिलती है, ठीक है। अब उसमें तुम्हें देखना है
कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया है, वो होगा मोड। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वो आना चाहिए नंबर। तो इधर देखो टू, एक दो तीन चार पांच बार आ रहा है। टू कितनी बार आया? पांच बार, एक दो तीन चार पांच बार आया टू। थ्री, एक दो तीन चार बार आया, ठीक है। फिर फाइव, एक दो, दो बार आया फाइव। फिर आया सेवन, एक दो तीन बार, ठीक है। फिर आया जीरो, वन और एट। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर आया? टू। टू, तो टू इज कॉल्ड मोड ऑफ दैट थीटा। टू को बोलते हैं मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आता है उसे बोलते हैं मोड, मेजॉरिटी। अब देयर विल बी मेनी टाइम्स, ऐसा भी होता है कि कई बार दो मोड होते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टू और थ्री दोनों ही फाइव टाइम्स है, तो दोनों मोड है, टू भी मोड थ्री भी मोड, उसको बाय मोड भी बोलते हैं। बाय मतलब बी आई, बाय मतलब टू। तो काफी सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसमें दो और तीन तक भी होते हैं, तीन मोड्स भी होते हैं, मतलब ऐसे तीन नंबर होते हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स ही आए। ओके, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक डेटा में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार आ रहा है। जो भी नंबर ज्यादा टाइम आता है, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है आने की, वो होता है मोड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज मोड? यस मैम। मैम वी हैव टू राइट दिस? नो, मैं सम देती हूँ वो लिखो। मैम मैंने लिख दिया। कोई बात नहीं, लिख दिया तो अब मैं दे रही हूँ और सम लिखो। ऐसा टेबल बना देना जैसा ये बनाया, नीचे टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। नंबर्स बोर्ड में से देखना है या फिर यहाँ पे भी लिखना है? नहीं, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। लिखना है तो लिख दो, कंपल्शन नहीं है। मैम मीडियन आप, मीडियन आप इसके बाद समझाओगे? हाँ इसके बाद। ओके मैम। इसका मोड फाइंड करो। 40 नंबर्स है। मैम मैम सेकंड लाइन में लास्ट आपने वन लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। 3 3 9 3 3 फिर नीचे।
मैम माय आंसर आई गॉट द आंसर मैम अभी बाकी है कर दो कर नो मैम लास्ट सिक्स वाला बाकी है वन कितनी बार आ रहा है नाइन आ रहा है कितनी टाइम्स आ रहा है मैम थर्टीन मैम मैंने आपको चैट बॉक्स में आंसर दिया था अब देखो मीडियम मैम हमें एग्जाम में भी ऐसे ही टेबल बनाना है लार्जर डेटा थे मतलब देखो ये 40 नंबर्स थे बहुत बड़ा डेटा था तो इसके लिए तो मैं ऐसा दे दूंगा अगर छोटे नंबर 5 या 10 नंबर ही दिए तो वो तो ऐसे देख कर ही पता चल जाएगा और क्या है बड़े 40 नंबर दिए थे तो इसके लिए टेबल बनाना है ओके अब before going to median, open your textbook, page number, मैं देखो वो दिए कुछ एबीसीडी करके चार एग्जाम्पल दिए अब कहाँ पे मीन यूज करते हैं कहाँ पे मोड यूज करते हैं मीन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है मोड की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है पहला एग्जांपल क्या दिया है ए रीड करो तो कोई एक स्टूडेंट ए क्या दिया है सर मैम क्या नाम कोई एक रीड कर लो बेटा फटाफट यू हैव टू डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ चपातीज नीडेड फॉर 25 पीपल कॉल्ड फॉर ए फीस्ट बी ए शॉपकीपर सेलिंग सच हैज डिसाइड टू रिप्लेस स्टॉप We need to एक ही पढ़ना है ए मैम मुझे आंसर ले लो ना मैम आप स्टक हो गए फर्स्ट वाला ए यू हैव टू डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ चपातीज नीडेड फॉर 25 पीपल कॉल्ड फॉर अ फीस्ट पेज नंबर 66 पे जो चार एग्जांपल दिए है सेंटेंसेस ए बी सी डी खुशी मेवाड़ा यू विल बी रिमूव्ड आई थ्रो यू आउट बेटा कैमरा अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद हुआ तो सो चार स्टेटमेंट्स दिए ए बी सी डी हमें ये देख के बताना है कि कहां पे हम मीम यूज कर सकते हैं कहां पे हम मोड यूज कर सकते हैं ठीक है तो अब यू हैव टू डिसाइड अपॉन अब तुम खुद ऐसी सिचुएशन सोचो अपने घर पे हो कि हमारे घर पे 25 गेस्ट आने वाले हैं ठीक है मम्मी पूछे कि कितनी रोटी बनाऊं तो तुम क्या बोलोगे सपोज फॉर एग्जांपल मैं तुमको मोड देती हूँ कि 25 गेस्ट है 25 और मैं तुम्हें ऐसा नंबर दे रही हूँ
गेस्ट वन एक रोटी, गेस्ट टू तीन रोटी खाता है, फिर टू 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 थ्री फोर थ्री टू वन थ्री टू, ऐसा नंबर दिया, ठीक है। अब मोड के हिसाब से, हाँ बोलो तीर्थ, बोलो बेटा तुम पहले, तुम बोलो। मैम मैं यही बोल रहा था कि अभी जो पहले जैसा सम किया वैसे ही करना होगा। तो मतलब तुम्हें लगता है कि हमको अगर ऐसे घर में गेस्ट आ रहे हो और हमको पता करना हो कि कितनी चपाती, तो हमको मोड फाइंड करना चाहिए, मतलब मीन फाइंड करना होगा, क्योंकि मोड करेंगे तो डायरेक्ट वही दिखेगा कि कितने गेस्ट को कौन सी कैटेगरी के गेस्ट को कितनी रोटी चाहिए, मतलब कितने लोगों को कितनी सेम तीन तीन और दो दो रोटी खानी है वो, और मेन पॉइंट करेंगे तो हमें वो सारे का टोटल मिलेगा कि हमें इतनी टोटल चपाटीज बनानी है। नो मैम, एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कम भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा भी नहीं पड़ेगा। यस दैट इज मी करेक्ट, बट मोड क्यों नहीं यूज करना चाहिए, उसका मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं मिला। मैम मोड इसलिए नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि मोड हम यूज करेंगे तो हमें वो पता चलेगा कि मैक्सिमम जो भी कैटेगरी के है, जैसे 1 2 3 रोटीज, वो कौन से मैक्सिमम है, जैसे 2 रोटी के मैक्सिमम है, ऐसे 2 रोटी खाने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। सपोज मान लो कि 25 गेस्ट है मेरे पास, 25 गेस्ट है, उसमें से शायद 15 लोग 15 गेस्ट ऐसे है मेरे जो 2 रोटी ही खाएंगे, ठीक है। तो अगर हम मोड के हिसाब से जाते हैं, मोड के हिसाब से, तो भाई 2 रोटी, मम्मी वो सोच लेंगी कि 50 रोटी बना दो खत्म, बट सिर्फ 15 गेस्ट ऐसे हैं जो 2 रोटी खाएंगे, बाकी के तो 2 से ज्यादा खा रहे हैं ना, कोई 3 खा रहा है, किसी ने शायद 4 खा ली, किसी ने 5 खा ली, तो उनको हम 2 ही रोटी देंगे, नहीं ना। मोड हमको ये बताएगा कि 25 में से मैक्सिमम लोग कितने ऐसे हैं जो ज्यादा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ रोटीज, मतलब 2 रोटी खाने वाले लोग ज्यादा है, वो हमको पता चलेगा। बट जो बाकी के गेस्ट हैं वो 2 से ज्यादा या 2 से कम भी खा सकते हैं, 2 से ज्यादा भी खा सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो हम चपाती नहीं बना सकते। तो वी हैव टू फाइंड आउट मीन, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट मीन, ठीक है। हम ऑन एन एवरेज ऐसा निकालेंगे कि 3 रोटीज, सपोज हमारा मीन आ गया 3 रोटीज, इसका मतलब हर इंसान 3 रोटीज, 25 × 3 हो गया 75 रोटीज विल बी इनफ, क्यों, वो बैलेंस भी होगा, जो 1 रोटी खा रहा है तो वहां पे 2 बच जाएगी, जो 3 खा रहा है उसको तो 3 मिली जाएगी, जो 2 खा रहा है वहां पे 1 बचेगी, इधर 1 बचेगी, इसकी 1 बचेगी, तो वो एडजस्ट हो जाएगी सब, ठीक है। तो हम लोग हमेशा घर पे ऐसा ही सोच के, गेस्ट आ रहे होते तो हम खाना ऐसा सोच के ही बनाते हैं ना कि भाई 3-3 रोटी बना देते हैं, सबकी पूरी हो जाएगी, कोई कम खाएगा तो वहां एडजस्ट हो जाएगा, कोई ज्यादा खाएगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज वेयर मीन इज यूज्ड। अब मेरे को सेकेंड वाला रीड करके बताओ, उसमें क्या लगता है मोड के बी वाला। मैम, अ फूड शॉपकीपर सेलिंग शर्ट हैड डिसाइड टू रिप्लेस हर स्टॉक। करेक्ट, मोड और मीन। मैम किधर से रीड कर रहे हैं, एक्सरसाइज में तो नहीं है मैम। बेटा तुम्हारा सुनते ही नहीं हो, तुम्हारा ध्यान बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान रहता है। मैम मैं 2 times are told, page number 66, ABCD जो statement दी है उसमें। Okay मैम। बोलो, B को क्या लगता है? Mode के median, तुम खुद shopkeeper हो, तो तुम stock कैसे अपना replenish करोगे? मतलब कैसे fill करोगे stock? मैम mode। Very good, mode। मुझे अगर पता चलता है कि मेरा ये product ज़्यादा बिक रहा है, तो उसका तो मैं ज्यादा ही स्टॉक रखूंगी ना, है ना। सब जगह सब शॉप वाले यही करते हैं, राइट। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिप्लेनिश मतलब रिफिल करना। अगर जो उसका प्रोडक्ट बिकता होगा ज्यादा वही वो रखेगा, बिकॉज जो कम बिकेगा उसको वो बहुत कम रखेगा। अभी पोटेटो चिप्स की बात करते हैं, पोटेटो चिप्स लेस के आते हैं, बालाजी के आते हैं,
अंकल चिप्स के आते हैं, फिर और भी ये कौन सा बिंगो विंगो के भी आते हैं, चार पांच ब्रांड्स है ठीक है, बट उसमें से उसने देखा सबसे ज्यादा तो अंकल चिप्स ही चलते हैं, उसके जो ज्यादा बिक रहे हैं वो कौन से अंकल चिप्स के ही है, तो वो अंकल चिप्स के ज्यादा स्टॉक भरने वाला है, फिल करेगा बाकी ये कंपेयर में, सो दैट इज मोड, जो ज्यादा बिक रहा है जिसका मोड हाई है उसी को वो मंगाने वाला है राइट। चलो थर्ड बताओ, सी वाला। मैम कैन आई रीड मैम? ध्वनि रीड। We need to find the height of the door needed in our house. Height of the door. 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 Need. Yes. Needed in our house. Yes, but height of door. More, yeah, mean. 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 Obviously. मोड नहीं, सपोज मैक्सिमम लोगों की हाइट जो है, तो हम सपोज कर ले कि मैक्सिमम लोगों की हाइट 135 सेंटीमीटर है, तो हमको 135 सेंटीमीटर का बना देना चाहिए डोर, नहीं, किसी की 135 से कम भी होगी उनको चल जाएगा, बट जिसकी 135 से ज्यादा होगी तो मैं बोलो 2 मीटर का मैम, उसको तो नीचे नहीं करना मैम, उसको झुक के जाना पड़ेगा। सो मीन उसमें भी क्या आएगा, एवरेज यानी के मीन आएगा ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला। यस मैम, ऑल ओवर बहुत घरों में 2 मीटर के डोर होते हैं बिकॉज़ उतने लंबे तो लोग गोइंग ऑन अ पिकनिक, इफ ओनली वन फ्रूट कैन बी बॉट फॉर एवरीवन व्हिच इज द फ्रूट दैट वी वुड गेट। मोड। अभी हम सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मेरे को फ्रूट्स लाने हैं, अब मैं सिर्फ एक ही फ्रूट ले सकती हूँ, मैंने कहा आई कैन ब्रिंग ओनली वन फ्रूट, व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क यू किसको मैंगो पसंद है ज्यादा, किसको एप्पल पसंद है, किसको ऑरेंज पसंद है, किसको बनाना पसंद है, तो उसमें अगर मैक्सिमम लोगों ने बोला कि मैंगो पसंद है, सो आई विल गो फॉर मैंगो ओनली राइट, उसमें मैं एवरेज भी निकालूंगी, उसमें आई नीड मोड कि कितने लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट पसंद है, मैंगो पसंद है आई टेक मैंगो, ओके so that will go for mode. Understood beta, mean कहाँ use होता है और mode कहाँ use होता है? Understood ma'am. Now, श्लोक तुम्हारा कैमरा बंद हो गया है। Harsh? Yes ma'am, मेरा कैमरा on है। On नहीं, off है। मैम अब आप मुझे देख सकती हूँ? यार कैमरा बंद है तो कहाँ से देख सकती हूँ? अब मैं ना अपनी स्क्रीन बेटा मिनिमाइज करके बैठ जाती हूँ, बैक चले जाती हूँ, वो इसीलिए कैमरा बंद हो जाता है, टीचर बोलती रहेगी और अपने पीछे अपना काम करते रहेंगे। मैम मैं तो रुद्रा को नाउ मीडियन, हमको पता चल गया मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, अब मीडियन पे आते हैं। मीडियन तो नाम से ही पता चल रहा है, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू ठीक है। अब इसका ये बहुत इजी है ये भी, बट इसके लिए सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है, वो खाली खास ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है कि वी हैव टू अरेंज, ऑलवेज अरेंज डेटा इन increasing or decreasing order, increasing or decreasing order before finding, before you find median, median find करने से पहले उसका जो भी data ले रखा हो उसको increasing या decreasing order में arrange करोगे ठीक है, arrange नहीं करोगे तो मीडियम की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। ओके सो लेट मी राइट, ओके अगर तुमने अरेंज नहीं करी, क्योंकि मीडियम की वैल्यू क्या होती है, मिडिल वैल्यू, जो भी डेटा दिया हो उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू,
तो अगर तुमने अरेंज अभी यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 नंबर्स है। ये हम सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ही फाइंड करेंगे, नंबर कितने होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ही नंबर होने चाहिए। तो अगर तुमने, तुमको देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 0, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 10, ठीक है। अब 0 और 10 के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अगर मैंने अरेंज नहीं किया तो कैसे ऐसे फाइंड करते हैं, मिलियन एक आगे गया एक पीछे गया, एक आगे से गया एक पीछे से गया, इधर से इधर से, इधर से भी गया इधर से भी गया, इधर से गया इधर से गया, देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू बीच में आ गई, विच इज रॉन्ग, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। इसीलिए हमको सबसे पहले करना है अरेंज, पहले सबसे छोटी वैल्यू 0, फिर लिखोगे 1, कितने 1 है, 1, 2, 3 है, 1, 1, 1, फिर 2 एक ही बार है, फिर 3 एक, मैम 2 टाइम्स है, 4 2, मैम 2 टाइम्स, 5 मैम 2 टाइम्स, मैम 2 टाइम्स, 6 मैम 1 टाइम, मैम इट इज नॉट देयर, मैम इट इज नॉट देयर, 8 भी ले लिए, 9 भी ले, 10 10 मैम नाउ डायरेक्ट 10। अब देखो तो मिडिल वैल्यू ऐसे, मिड वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद करना है। यहाँ पे देखो अरेंज नहीं किया तो जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो बीच में आ गई, मिडिल में, तो दैट इज रॉन्ग। तो मिड वैल्यू के लिए सबसे पहले अरेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलो नाउ टेक आउट एक्सरसाइज 3.2, फटाफट कर देते हैं कंप्लीट, छोटी सी एक्सरसाइज है। मैम स्कूल में मैम ने इवन नंबर का भी सिखाया है पर मैम ने बोला कि वो नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 3.2 देखो, स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो, फाइंड मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। करो फाइंड, पहले मोड फाइंड करो, फर्स्ट फाइंड द मोड, फिर मीडियन करो, पहले मोड करो फिर मीडियन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो फिर मीडियन। फर्स्ट वाले का तो बेटा डायरेक्टली कर सकते हो, तो मोड की वैल्यू, मैम मीडियन मिल गया बोल दो, मोड की वैल्यू 20 आई है, एक मिनट रुको बेटा, और अरेंज करेंगे डेटा को। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 5, 9, 10 twenty-three 23, 24, 25 2 times. एक बार ये लिखने के बाद काउंट कर लेना, क्योंकि तुमको देखो क्वेश्चन में दे भी रखा है 15 स्टूडेंट्स का है 15, तो ये 15 होने चाहिए ताकि कोई मिस ना हो जाए, इसलिए एक बार देख लेना, मिस नहीं होना चाहिए कोई। नाउ यू कैन सॉल्व, मीडियम भी आया 20, तो मीडियम एंड मोड दोनों ही सेम आए, मिडिल वैल्यू भी 20 और मोड भी 20 ही है, ओके। नेक्स्ट सम, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा एंड चेक करो R3 सेम और नॉट। गुड, पहले मीन फाइंड करो, सम बताओ मुझे,
मैम अब सेकंड वन यस सेकंड वन ओके मैम मैम पहले क्या फाइंड करना है मीन बेटा पहले मीन फाइंड करो और उसका सम बताओ कितना आ रहा है मैं नोटबुक में ही करें या फिर रफवर्क में करें तो चलेगा करना है बेटा ओके मैम रिटेल बड़ा सम क्या है 6 plus 15 plus 120 plus 50 100 80 10 15 10 15 400 29 is equal to 39 is equal to 39 429 429 upon 11 Total numbers are 11. Yes, ma'am. Point में बेटा आने देना. Decimal में आ रहा हो तो decimal में लेके आना भी. मैम 39 by 11 मैम 39 by 11 बेटा पॉइंट में लाना है आंसर 39 by 11 क्या आ रहा है मैम आंसर 39 ही है 39 39 आंसर 39 39 by 11 मैम वही आ रहा है मैम 11 कहाँ से आ रहा है नीचे दो दो बार 4 upon 11 उसका आंसर 39 upon 11 नीचे मैम मैम 1 होना चाहिए नीचे 11 काटा ना तभी तो गया 11 तुमने काटा नहीं और ऊपर का नंबर निकाल दिया नहीं मैम मैम सिर्फ 39 मैम क्या मैम डिवाइड कर रहे हैं तो मैम 39 बता रहा है मैम तो 39 ही है ना 39 बाय 11 क्यों बोल रहे हो ओके मैम नेक्स्ट मोड फाइंड करो बेटा मैम मोड तो डायरेक्ट हो सकता है ना मैम मोड डायरेक्ट ही होगा मैम 39 अपॉन 1 मोड 15 है मोड 15 कितनी टाइम्स है 15 3 टाइम्स मैम 15 बार 15 आ रहा है 3 टाइम्स है तो 15 इज द मोड इजी था मैम हर्ष आई एम रिमूविंग यू आयुष आई एम रिमूविंग यू मैम अब मीडियन फाइंड करें मैम हाँ मीडियन फाइंड करो ओके मैम हर्ष को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार उसका नाम बोला गया है उसका कैमरा ऑन करने के लिए उसको बोला गया है बट स्टिल कैमरा ऑन नहीं होता है सो हर्ष आई एम रिमूविंग यू बेटा मैम मीडियन 80 क्या है मीडियन 80 15 मैम उसने डायरेक्ट कट कर दिया मैम 15 उसने ऑर्डर में नहीं रखा मैम मीडियन 15 हर्ष को मैंने रिमूव किया है अब नेक्स्ट बेटा किसी का भी अगर ऑन रहा कैमरा ऑफ रहा कैमरा तो वो उसको मैं बिना बोले ही यहाँ से रिमूव कर दूंगी मीडियन की वैल्यू 15
यस 15 नेक्स्ट आर थ्री सेम सेम तो नहीं आया मीन अलग आया मोड और मीडियन शायद सेम आए बट मीन तो अलग आया ओके द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन फाइंड द मोड एंड मीडियन इज देयर मोड वन मोर देन वन मोड चेक करो मैंने बताया मोर देन वन मोड भी होता है बाय मोडल कहते हैं मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं चेक करो फाइन अब मैं जिसको पूछूं उसका मेरे को आंसर देना है उसे आंसर देना है सबसे पहले मीन सॉरी मीन फाइंड करने को बोला नहीं है मोड फाइंड कर लो फाइंड मोड देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है What is mode? Ayush, mode बोलो क्या होगा? Ayush, name 10. क्या होगा mode? 10. बेटा question number 3 में 10 का है. मैम 10 तो है ही नहीं इसमें question number 3 में. आयुष हर क्वेश्चन बोला है मैंने तुम्हें मैम कैन आई से द मोड प्रसन्न प्रसन्न बोलो मोड की वैल्यू मैम कैन आई से ध्वनिक मैम नो बेटा रुको प्रसन्न मैम इजीली हो गया मैम मेरे से तो क्या आएगा बेटा बोलो प्रसन्न मैम मैं मैम मैम मीडियन फाइंड करूं मैम अब मोड क्या होगा मैम मैं बोलूं मैम कैन आई बेटा मैं जिसको पूछ रही हूँ उसको बोलने दो मैम मैं मीडियन फाइंड कर दूं मैम मेरा हो गया तो कर दो मीडियन प्रोसेस मोड क्या होगा मैम एक मिनट में मैं कैमरा ऑफ करके बोलूं क्योंकि मेरा नेटवर्क जा रहा है इसलिए बोलो बोलो मैम आयुष यस मैम मोड क्या होगा मोड क्या होता है आयुष व्हाट इज मोड 38 नहीं मोड क्या होता है आयुष मोड किसे कहते हैं बेटा व्हाट इज मोड मैंने क्या समझाया मोड क्या होता है आयुष माइक ओपन मेरे को बहुत जाता है मैम 20 है मोड आयुष माइक ओपन रखो हेलो मैम हां मेरे को बोलो कि क्या होता है मोड व्हाट इज मोड एक्सप्लेन मी आयुष देवांश बेटा मोड क्या होता है एक्सप्लेन करो
व्हाट इज मोड देवांश मैम मैंने आपको भेजा करेक्ट है हाँ करेक्ट है ओके मैम देवांश क्या कर रहे हो देवांश बेटा उंगली से देवांश कैन यू हियर मी मैम मैंने भी भेजा मैम मेरा करेक्ट है खुशी यस मैम मोड क्या होता है मैम जो ज्यादा हो कोई ज्यादा हो तो मोड क्या होता है मैंने क्या समझाया था मोड क्या होता है मैम मैं बोलूं मैं सब सो रहे हैं क्या क्लास में मैम मैं बोलूं भी आता है मैम मेरे को बोलने दो ना मैम कैमरा कैमरा क्यों बंद कर दिया है तुमने यस मैम बोलो मोड क्या होता है मैम ये जो आपने नंबर लिखे है ना उसमें से जो ज्यादा बार आया ना उसको मोड कहते हैं यस जिसका ना जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आता है उसको मोड कहते हैं और मीडियम किसे कहते हैं खुशी मीडियम किसे कहते हैं जो सबसे मिडल में आए तो मीडियम फाइंड करने के लिए कौन सी कंडीशन होती है मीडियम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहला स्टेप मैम नंबर्स को पीछे से और आगे से इक्वली कट करनी है नहीं उसके पहले क्या करना पड़ता है मैम नो बेटा हर शब्द दूसरी बार कैमरा अगर बंद हुआ ना बेटा तो जितने नंबर से एंटर हो जाओगे ना उस सबको मैं डिवाइस को ब्लॉक कर दूंगी मैम नो मैम सॉरी मैम माय फोन वाज मैम सॉरी मैम सॉरी मैम सॉरी मैम नो मैम ओवरहीट हो गया था ना फोन इसलिए मैम बंद हो गया था उसमें आवाज आती है बट स्क्रीन बंद हो जाती है तुमको पता होता है ना लेक्चर कब से कब तक है ये सडनली होता है तो अपना मोबाइल वोबाइल सब चार्ज करके ये करके सब कुछ जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो वो करके ही बैठना है और अभी तुम मोबाइल से लॉग इन नहीं हुए मैम वो ओवरहीट हो गया था मैम फोन में चार्ज था देवांश तुमको कोई भी आंसर नहीं देना है मैडम मेरे को आवाज नहीं आ रही देवांश तुम्हारी अपना हेडफोन निकाल के बात करो हेडफोन अनप्लग कर दो हाँ अब आ रही है आवाज बोलो आ रही है बोलो मीडियम का आंसर हाँ मीडियम का आंसर 43 कैसे फाइंड करते हैं मीडियम मैं आगे से और पीछे से एक एक कट करने का बट उसके पहले कुछ करना पड़ता है ना स्टेप हमें yes, क्या करते हैं हम यस राइट मितवा देवांश बोलो बेटा क्या करना पड़ता है एक मैंने बताया था ना मीडियम फाइंड करने के लिए कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्या करते हैं हम मैम कैन आई से मैम ये बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज आयुष देवांश हर्ष प्रसन्न
जो बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैम मैं कैमरा सेटअप कर रहा हूँ, मैंने अभी आंसर दिया जस्ट। नेट कुछ भी मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी का भी अटेंशन लूज हुआ, मैं डायरेक्टली बेटा सबके सामने पेरेंट से बात करूंगी लेक्चर में। तो मेरा नेटवर्क भी जा रहा है, मैंने बोला बेटा मेरा भी नेटवर्क आज प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा भी नेटवर्क हो रहा है प्रॉब्लम। फाइंड करने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि हमें उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डेटा है उसको भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो फिर देखो कि क्या आंसर आता है। तो बोलो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ रहा है, सबसे पहले छोटा 45, 47, 47, 50, 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 50
odd numbers. Even के लिए भी होगा. Even के लिए भी. For example, suppose कर लो इधर 55 आ जाता. ठीक है, just for an example है नहीं. Suppose इधर 55 होता. अब देखो हम cut करते हैं. इवन नंबर के तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ठीक है, बट तुमको पता होना चाहिए आगे तो आने ही वाला है मीडियन. ये तुमको 10th स्टैंडर्ड तक आएगा बेटा मीडियन. इनफैक्ट अगर 11th 12th में साइंस लिया तो उसमें भी आने ही वाला है. हम आपने नीचे 2 क्यों लिखा मैम? मिडिल वैल्यू. हमको मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है 40 और 42. वैसे तो देख कर ही पता चल जाता है 40 और 42 के बीच में कौन सी वैल्यू होती है. 41 होती है. ठीक है, तो मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी चीज का तुम्हें मिडिल वैल्यू फाइंड करना हो ना तो उसको डिवाइड बाई 2 ही करना पड़ता है मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए. But this is only when the numbers even, not odd. Even में बीच में दो numbers बच जाते हैं. Odd में सिर्फ एक ही बचता है. इसलिए वो जो बचा वही आंसर. But even में दो बचते हैं. तो उसके मैम आपने upon two क्यों लिखा है 40 + 42 / 2? अभी मैंने क्या समझाया? 40 और 42 के मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए अपॉन 2 करने का, इसीलिए अपॉन 2. जी हां, तुम्हारा सेम क्वेश्चन रोनित ने पूछा उसी के क्वेश्चन का. मैम मेरा नेट बार बार जा रहा है इसलिए मैंने रिपीट पूछा. क्लास है पति गया मतलब होता है मिडिल वैल्यू. जब भी तुम्हें मिडिल वैल्यू किसी की भी फाइंड करनी हो तो तुम्हें डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है. ठीक है, ये बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है. दिस इज इंफॉर्मेशन. इवन नंबर हो तब के लिए सिर्फ. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बट
3.2 में. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो खुद होमवर्क में कर लेना. अब नेक्स्ट उसमें इम्पोर्टेंट थिंग, ग्राफ लेके आना है सबको, सबको ग्राफ लेके बैठना है. नेक्स्ट लेक्चर होगा बार ग्राफ का, सो सबको ग्राफ बुक लेकर बैठनी है, पूरी बुक ही ले लेना ग्राफ बुक.